दोस्तों गोल्ड ने मंथली चार्ट के ऊपर हिस्टोरिकल ब्रेकआउट दे दिया है। उसी तरह से सिल्वर ने भी वीकली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दे दिया है। उसके बावजूद भी अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर ये जो तेजी बन रही है ये झूठी है, यानी कि फेक है, और उन्हें लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बड़ी गिरावट आ सकती है। उन सबको लगता है कि ऑपरेटर्स गोल्ड सिल्वर को जानबूझकर ऊपर लेके जा रहे हैं। तो चलो ये वीडियो से मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड सिल्वर के अंदर ये जो तेजी बन रही है ये फेक यानी कि झूठी क्यों नहीं है, और आपको ये तेजी के ऊपर भरोसा क्यों करना चाहिए। हमारा पहला कारण है रशिया और नाटो का आने वाले समय में होने वाला वॉर। वीडियो के अंदर आप ये क्लियरली देख सकते हो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये क्लियरली कहा है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर आने वाले समय में जरूर बनेगा। दोस्तों यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता है, इसीलिए तो रशिया और यूक्रेन के वॉर की शुरुआत हुई है। दोस्तों ये वीडियो के अंदर ये टॉपिक के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है और हमारे YouTube चैनल के ऊपर ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है। तो कृपया ये टॉपिक को देखने के लिए आप हमारा वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको चाहिए तो हम आपको ये वीडियो का लिंक आज के वीडियो के आखिर में दे रहे हैं। चलो अब चलते हैं दूसरे कारण के ऊपर। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो ये चार्ट तो आपने पहचान लिया होगा, पिछले कुछ वीडियो से ये चार्ट को हमने आपको लगातार दिखाया है। हमने आपको क्लियरली बताया था कि ये कमोडिटी इंडेक्स का चार्ट है। 2020 के बाद एक बहुत ही अच्छी तेजी कमोडिटी इंडेक्स में बनी थी। 2022 के बाद से अब तक ये इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा था, और आप देख सकते हो पिछले ही हफ्ते ये कमोडिटी इंडेक्स ने उसके प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो ये क्लियर संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में कमोडिटी इंडेक्स यहाँ से और ऊपर जाने वाला है, और आने वाले समय में कमोडिटी इंडेक्स के अंदर एक बड़ी तेजी बनने वाली है। हमने आपको लगातार कहा है कि अगर कमोडिटी इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कमोडिटीज़ की कीमतें ऊपर जाएंगी। कमोडिटीज़ की कीमतें अगर ऊपर जाएंगी तो वो इन्फ्लेशन साथ में लाएंगी। दोस्तों आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो ये कमोडिटी इंडेक्स के साथ ही गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर हिस्टोरिकल ब्रेकआउट है, सिल्वर के वीकली चार्ट के ऊपर हिस्टोरिकल ब्रेकआउट है, कॉपर कई महीनों के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट देने जा रहा है। कॉपर अभी ब्रेकआउट लेवल के बहुत ही नज़दीक है। उसी तरह से आप सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटी क्रूड ऑयल भी देख सकते हो। क्रूड ऑयल के वीकली चार्ट के ऊपर डबल बॉटम ये पैटर्न बन चुका है, और क्रूड ऑयल जैसे ही उसके प्रीवियस हाई को ऊपरी तरफ तोड़ेगा क्रूड ऑयल के अंदर भी नई तेजी की शुरुआत होगी। दोस्तों आप कमोडिटी इंडेक्स का चार्ट और क्रूड ऑयल का चार्ट ठीक से देखो, आपको कमोडिटी इंडेक्स के चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बना है वही पैटर्न क्रूड ऑयल के चार्ट के ऊपर भी दिखेगा। तो अगर आने वाले समय में ये सारी कमोडिटीज ऊपर जाने वाली है तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली ध्यान से सुनते हो तो हमने आपको हमारे वीडियोस से एक बात लगातार बताई है, और वो बात यह है कि मार्केट के अंदर जो चीज़ सबको पता होती है वो चीज़ के ऊपर कभी भी काम नहीं होता है। दोस्तों अभी मार्केट के अंदर कोई भी नहीं मानता है, या फिर बहुत ही कम लोग मानते हैं कि आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने वाला है। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ इसे ध्यान से समझो। सब लोग अभी ये मानते हैं कि इन्फ्लेशन अभी जहाँ पर है वहाँ पर बना रहेगा,
लेकिन दोस्तों ये कोई भी अभी नहीं मान रहा है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। और दोस्तों इसीलिए गोल्ड सिल्वर अभी बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन जब बहुत ऊपर आ जाएगा दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि गोल्ड सिल्वर के अंदर वो समय पे तेजी नहीं बनेगी, क्योंकि दोस्तों वो समय पे तो सबको पता है कि इन्फ्लेशन बहुत ऊपर आ चुका है, तो चलो अभी गोल्ड सिल्वर को खरीद लेते हैं। दोस्तों मार्केट में ऐसे काम नहीं होता है। दोस्तों मार्केट हमेशा फ्यूचर देखता है, और मार्केट अभी ये देख रहा है कि कमोडिटी इंडेक्स के साथ गोल्ड, उसी तरह से सिल्वर, उसी तरह से कॉपर और क्रूड ऑयल ब्रेकआउट दे सकते हैं, और उस वजह से आने वाले समय में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। तो अगर आने वाले समय में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है, तो गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी अभी बनेगी, ना कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से ऊपर आने के बाद। तो दोस्तों ये पॉइंट को कृपया समझ के लो। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग मानते हैं कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ऊपर जा सकता है। तो जैसे कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेगा। चलो दोस्तों, मैं भी ये मान लेता हूँ कि इन्फ्लेशन बढ़ने पर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, लेकिन दोस्तों क्या आपको ये बात पता है कि इंटरेस्ट रेट अभी हाईएस्ट लेवल पर खड़े हैं, और अभी ये खड़े हैं 5.5% पे, और बहुत ही कम समय में बहुत ऊपर इंटरेस्ट रेट आए हैं। दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है, ये स्पीड हिस्टोरिकल है, यानी कि इससे पहले इतनी तेजी से इंटरेस्ट रेट को कभी भी नहीं बढ़ाया गया था। और दोस्तों इसकी वजह से ही आप देख सकते हो, फेडरल रिजर्व ने इतिहास का सबसे बड़ा लॉस 2023 में रिकॉर्ड किया है। दोस्तों फेडरल रिजर्व कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है, फेडरल रिजर्व अमेरिका की सेंट्रल बैंक है। फेडरल रिजर्व दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक है, जो पूरे फिनेंशियल मार्केट को हैंडल करती है। तो आप सोचो, इंटरेस्ट रेट इतने ऊपर होने के कारण फेडरल रिजर्व ने अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा $114 बिलियन का लॉस 2023 में किया है। आप देख सकते हो ये चार्ट 2001 से है। दोस्तों हमारे पास इतना ही चार्ट अवेलेबल है, और ये चार्ट के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हो कि फेडरल रिजर्व ने अब तक का सबसे बड़ा लॉस रिकॉर्ड किया है। अगर फेडरल रिजर्व खुद लॉसेस कर रहा है, तो आप बैंकों की हालत समझ सकते हो। अभी जो आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये अमेरिकन बैंकों को ट्रेजरीज के ऊपर होने वाला लॉस है, जो अब तक उन्होंने बुक नहीं किया है, यानी कि दोस्तों अब तक उन्होंने ये लॉस को अपने अकाउंट में बुक नहीं किया है। आप देख सकते हो पिछले 6 क्वार्टर से लगातार ये बड़े लॉस में बैठे है, और अब तक ये लॉस $600 बिलियन के ऊपर का है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अमेरिका के अंदर बैंक्स के बैलेंस शीट के ऊपर $600 बिलियन से भी ज़्यादा का लॉस पड़ा है, जो अब तक उन्होंने बुक नहीं किया है। और अगर इंटरेस्ट रेट इसी तरह से ऊपर रहेंगे, तो ये लॉसेस यहाँ से और बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंदर आपने क्लियरली देखा कि इंटरेस्ट रेट अभी खड़े है 5.5% पे, और ये इतने ऊपर है कि फेडरल रिजर्व हिस्टोरिकल लॉस पहली बार कर रहा है। और अमेरिकन बैंकों के लॉसेस तो दोस्तों बहुत ही बड़े हैं। तो अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो इनकी क्या हालत होगी, ये सिर्फ आप सोच के देखो। चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ने के बाद जब रुक जाते हैं, उसके बाद क्या होता है। दोस्तों आप देख सकते हो, मई 2000 से पहले इंटरेस्ट रेट अमेरिका के अंदर बहुत तेजी से ऊपर आए,
और मई 2000 के अंदर आखिरी बार इंटरेस्ट रेट हाइक करने के बाद दिसंबर 2000 तक कोई भी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुआ। यानी कि मई 2000 के बाद दिसंबर 2000 तक इंटरेस्ट रेट एक ही जगह पर खड़े रहे। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो। डाउ जोन्स जो अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, दोस्तों अमेरिका का ही नहीं तो ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है, और आप देख सकते हो दिसंबर 2000 के बाद ये इंडेक्स में 36% की एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई। उसी तरह से आप देख सकते हो जून 2006 से पहले अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से ऊपर आए। जून 2006 के अंदर आखिरी बार इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद आप देख सकते हो अगस्त 2007 तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े। यानी कि जून 2006 के बाद अगस्त 2007 तक इंटरेस्ट रेट वहीं पर खड़े रहे। और उसके बाद क्या हुआ आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। दोस्तों उसके बाद डाउ जोन्स के अंदर 55% की एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई। दिसंबर 2018 से पहले आप देख सकते हो अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से ऊपर आए। दिसंबर 2018 में आखिरी बार इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था। उसके बाद से जून 2019 तक कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े। यानी कि दिसंबर 2018 के बाद जून 2019 तक इंटरेस्ट रेट वहीं पर खड़े रहे। उसके बाद आप सबको पता है क्या हुआ। वीडियो के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो डाउ जोन्स के अंदर 40% की एक बहुत ही बड़ी गिरावट उसके बाद आई थी। तो दोस्तों अभी जुलाई 2023 से पहले आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से ऊपर आए हैं। और जुलाई 2023 में आखिरी बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद से अब तक यानी कि मार्च 2024 तक कोई भी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुआ है। तो क्या दोस्तों हिस्ट्री फिर से एक बार रिपीट होने वाली है। 2000 के बाद से हमने देखा है कि तीनों बार जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद रुक जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा फॉल डाउ जोन्स के अंदर आता है। दोस्तों हमने ये आपको वीडियो के अंदर क्लियरली दिखाया है, और दोस्तों मुझे लगता है ये बार भी हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी। दोस्तों अभी इसे कितना समय लगता है चलो इसे आगे हम आपको बताते हैं दोस्तों, लेकिन याद रहे ये समय एग्जैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन होगा। चलो हम आपको और एक डेटा पॉइंट दिखाते हैं जिस वजह से हमारा नज़रिया गोल्ड सिल्वर के ऊपर तेजी का है और हमें लगता है अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। ये डेटा पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। आप देख सकते हो 1950 से अब तक का ये चार्ट है। 1950 के बाद से जबी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमने खींची हुई हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के पास आया है, आप देख सकते हो वहां से उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा उछाल ही आया है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर उछाल आता है तो आप सबको पता है वो कंट्री के लिए, उसी तरह से वो कंट्री की करेंसी के लिए वो बहुत ही खराब संकेत है। और आप देख सकते हो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमने खींची हुई हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के पास ही खड़ा है। ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है लेकिन अब तक इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा उछाल नहीं आया है। लेकिन दोस्तों हिस्ट्री यही बोलती है कि हमने खींची हुई हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के पास जब भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है वहां से उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा उछाल आने वाले समय में जरूर आया है। तो क्या ये बार हिस्ट्री फेल होगी कि फिर से एक बार हिस्ट्री रिपीट होगी आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी। चलो एक बार इंटरेस्ट रेट को अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ कंपेयर करते हैं। हमने आपको बताया था मई 2000 के बाद दिसंबर 2000 तक इंटरेस्ट रेट वहीं पर खड़े रहे, और आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट जब नीचे गिरना शुरू हुए उसके बाद किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर गया।
उसी तरह से आप जून 2006 के बाद से अगस्त 2007 का डेटा भी देख सकते हो। जून 2006 के बाद अगस्त 2007 तक इंटरेस्ट रेट वहीं पर खड़े रहे और जैसे ही वो नीचे जाना शुरू हुए आप देख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी तेजी से ऊपर गया। उसी तरह से आप दिसंबर 2018 के बाद से जून 2019 का डेटा भी देख सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट नीचे जाने के बाद कुछ समय तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ा, लेकिन दोस्तों एक समय के बाद ये बहुत ही तेजी से ऊपर गया। तो दोस्तों अब तक की हिस्ट्री ये बताती है कि इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से ऊपर आने के बाद जब एक जगह पर रुक जाते हैं उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से ऊपर जरूर जाता है। दोस्तों चलो एक बार देख लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितने समय तक एक ही जगह खड़े हो सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो दिसंबर 2018 से जून 2019 यानी कि 6 महीने इंटरेस्ट रेट वहीं पर खड़े रहे थे और उसके बाद इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हुआ। जून 2006 से अगस्त 2007 के बीच यानी कि 14 महीने इंटरेस्ट रेट वहीं पर खड़े रहे और उसके बाद इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हुआ। उसी तरह से आप मई 2000 के बाद से दिसंबर 2000 का पीरियड भी देख सकते हो। 7 महीने इंटरेस्ट रेट वहीं पर खड़े रहे और उसके बाद इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हुआ। दोस्तों आप वीडियो के अंदर देख सकते हो कि अभी जुलाई 2023 के बाद से 9 महीने हो चुके हैं, यानी कि दोस्तों आखिरी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद अभी 9 महीने खत्म हो चुके हैं और इंटरेस्ट रेट अभी वहीं पर है। तो दोस्तों 2000 उसी तरह से 2018 के समय का पीरियड खत्म हो चुका है, क्योंकि दोस्तों वहां पर 6 और 7 महीने इंटरेस्ट रेट एक ही जगह पर खड़े हुए थे और दोस्तों सिर्फ 2006 से 2007 के बीच में 14 महीने इंटरेस्ट रेट वहीं पर खड़े रहे थे। लेकिन दोस्तों याद रहे वही समय पे सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और डाउ जोन्स के अंदर 55% की एक बड़ी गिरावट आई थी। यानी कि दोस्तों इससे एक ही बात पता चलती है कि इंटरेस्ट रेट जितने समय तक ऊपर रहेंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उतना ही बड़ा हो सकता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है अमेरिकन गवर्नमेंट का डेब्ट। आप देख सकते हो अमेरिकन गवर्नमेंट का डेब्ट अभी खड़ा है 34.58 ट्रिलियन डॉलर पे। दोस्तों जून 2023 के अंदर यानी कि 10 महीने पहले ये डेब्ट खड़ा था 31.50 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर। दोस्तों अगर आपको याद है और अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो जून 2023 के पहले हफ्ते में ही वीडियो बनाकर हमने आपको बताया था कि फेडरल रिजर्व शटडाउन होने वाला है और ये शटडाउन को रोकने के लिए उन्हें एक बिल को पास करना है। और दोस्तों वो जब बिल पास हुआ तो हमने आपको ये क्लियरली बताया था कि ये साल खत्म होने से पहले यानी कि दोस्तों अप्रैल 2023 से मार्च 2024 का साल अमेरिकन गवर्नमेंट का डेब्ट 35 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हो हम अभी लगभग वहीं पर खड़े हैं। आप देख सकते हो 10 महीने के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट ने 3 ट्रिलियन डॉलर का डेब्ट ऐड कर दिया है। दोस्तों सिर्फ 10 महीने के अंदर इन्होंने 3 ट्रिलियन डॉलर का डेब्ट ऐड कर दिया है। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी 3 ट्रिलियन के आसपास ही काम कर रही है, यानी कि आप देख सकते हो अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक पूरा इंडिया 10 महीने के अंदर उनकी डेब्ट में ऐड कर दिया। उसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हो 2020 के बाद उनका इंटरेस्ट पेमेंट कितना तेजी से ऊपर आया है। दोस्तों 2020 के बाद ये डबल हो चुका है। 2020 के समय वो जहां पर 500 बिलियन डॉलर का इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे थे अभी उन्हें 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ रहा है। और दोस्तों ये इसीलिए हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट लेवल पर है।
तो दोस्तों आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर होने के कारण कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दोस्तों ये आज नहीं तो कल आपको मार्केट के अंदर भी दिखना शुरू होंगे। दोस्तों मज़े की बात यह है कि ये पिछले महीने में ही अमेरिकन गवर्नमेंट फिर से एक बार शट डाउन होने वाली थी और उनकी गवर्नमेंट ने पिछले महीने ही 1 ट्रिलियन का बिल फिर से एक बार पास किया है। तो दोस्तों अभी जो ये आपको आंकड़ा दिख रहा है 34.58 ट्रिलियन डॉलर का, ये एक्चुअली पिछले महीने क्रॉस कर चुका है 35 ट्रिलियन को। लेकिन दोस्तों ये डेटा अपडेट होने को टाइम लगेगा। दोस्तों आप सोचो अमेरिकन गवर्नमेंट अगर इसी तरह से पैसा उड़ाती रही तो उनके पैसे की क्या वैल्यू होगी। अमेरिकन गवर्नमेंट का डेब्ट जो ये बहुत ऊपर आया है उस वजह से आप देख सकते हो अमेरिकन गवर्नमेंट का डेब्ट टू जीडीपी रेशो 1942 के बाद हाईएस्ट लेवल पर आ चुका है। दोस्तों आप देख सकते हो डेब्ट टू जीडीपी रेशो 1940 के बाद हाईएस्ट लेवल पर खड़ा है। तो दोस्तों ये क्लियरली बताता है कि अमेरिका के अंदर आने वाले समय में प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अमेरिका के अंदर जब भी फिनेंशियल क्राइसिस आए हैं उससे पहले ही गोल्ड ब्रेकआउट देता है कि नहीं देता है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो गोल्ड ने सितंबर 2007 और अक्टूबर 2007 के पीरियड में कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे दिया था और ये ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर मार्च 2008 तक 45% की तेजी बनी थी। और आप सबको पता है मार्च 2008 के बाद ही अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा फिनेंशियल क्राइसिस आया था जिस वजह से पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आया था। तो दोस्तों आप देख सकते हो फिनेंशियल प्रॉब्लम आने से कुछ महीने पहले गोल्ड ब्रेकआउट दे देता है। उसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हो कोरोना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने से पहले भी गोल्ड ने 2016 के बाद से 2019 तक जो कंसोलिडेशन किया था उससे ब्रेकआउट दिया। दोस्तों अभी आप ये बोल सकते हो कि कोरोना का प्रॉब्लम किसी को तो पहले ही पता था। दोस्तों स्मार्ट मनी को सब पता होता है और हम आपको लगातार बोलते हैं कि स्मार्ट मनी सबसे पहला मूव करता है। वीडियो के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो मई 2019 के बाद गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर 2016 के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया और कोरोना की गिरावट से पहले गोल्ड 25% ऊपर आ चुका था। तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट के अंदर जब कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आने वाला होता है उसके कुछ महीने पहले ही गोल्ड ब्रेकआउट दे देता है। हमने आपको वीडियो के अंदर ये दिखाया है कि दिसंबर 2000 के बाद ही अमेरिकन स्टॉक मार्केट में यानी कि डाउ जोन्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई थी। लेकिन दोस्तों आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो जुलाई 1999 के बाद ही कुछ ही महीनों के अंदर गोल्ड में 35% की एक बहुत ही बड़ी तेजी बनी थी। लेकिन दोस्तों आप कहोगे कि ये तेजी सस्टेन नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों गोल्ड वो समय पे सबसे बड़ा बॉटम बना रहा था क्योंकि आप देख सकते हो 2000 के समय जो बॉटम बना उसके बाद किस तरह की तेजी गोल्ड के अंदर आने वाले सालों में बनी थी। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि अगर आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को क्यों नहीं बढ़ा सकता। और दोस्तों अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया तो क्या होगा, ये हमने आपको वीडियो में क्लियरली बताया है। उसी तरह से अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को काटने के लिए बहुत समय लगाता है तो भी क्या हो सकता है, ये हमने आपको हिस्ट्री के अंदर जाकर दिखाया है। तो दोस्तों अभी अमेरिकन सेंट्रल बैंक का प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो वो इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा सकते और अगर इकोनॉमी को बचाना है और अगर वो इंटरेस्ट रेट को काटते हैं तो इन्फ्लेशन तो बहुत तेज़ी से ऊपर आएगा
और दोस्तों इसीलिए गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहे हैं। और हमने आपको वीडियो में ये दिखाया भी है कि गोल्ड कोई भी बड़ी प्रॉब्लम से कुछ महीने पहले ही ब्रेकआउट दे देता है। तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर अभी जो ये ब्रेकआउट्स आए हैं उन्हें हल्के में बिल्कुल भी ना ले। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके लिए इतनी रिसर्च करता हूं, तो ये वीडियो को कम से कम 1000 लाइक्स तो आने चाहिए। दोस्तों मैं 1000 लाइक्स का टारगेट ये वीडियो के लिए रख रहा हूं। अगर आपको इसी तरह का रिसर्च चाहिए तो आप ये वीडियो को 1000 लाइक्स जरूर देंगे।